हेलो गाइस, मैं आपका क्रेजी आर्यन और आज के प्रैंक में बहुत ही ज्यादा तगड़ा ट्विस्ट होने वाला है। और यार मेरा गिटार ना पुराना हो गया था तो मैं सोच रहा हूँ कि नया गिटार ले लूँ, बट मैं इसके लिए पैसे अपने सेविंग में से नहीं निकालूंगा, मैं इसके लिए पैसे निकालूंगा बिनोमो पे ट्रेडिंग करके। तो गाइस चलो मैं आपको बताता हूँ बिनोमो पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। बिनोमो ओपन हो गया है, मेरे रियल अकाउंट में 75,000 रुपीज है। और सबसे पहले इसमें एसेट सिलेक्ट करना होता है तो आज एसेट में सेकंड पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ 7,000 रुपीज। और इस ग्राफ में हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि ग्राफ आज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि ग्राफ आज ऊपर जाएगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैं 10,640 रुपीज़ कमा चुका हूँ। उसमें टाइम सेटिंग्स भी हैं जिसमें आप एक सेकंड से लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसमें सपोर्ट सिस्टम 24/7 अवेलेबल रहता है। सो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मेरे दिए हुए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको $1,000 आपके डेमो अकाउंट में मिलेगा जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और तो मैं मिलता हूँ आपको अपने वीडियो के एंड में। तो क्या हो गया, अपने पापा को समझाओ ना यार। भाई वो सरकारी जॉब करता है तो मैं भी तो गिटार बजाता हूँ। अरे यार ऐसी बात नहीं होती है, मैं भी कुछ टाइम बाद तो कुछ ना कुछ करूँगा ही। अब मेरे से ऑडिशन क्लियर नहीं हो रहे, मैं क्या कर सकता हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा सब। अरे यार समझाओ ना अपने पापा को। फोन ही गार्ड यार। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो। आपका बॉयफ्रेंड है कोई? यार मेरी गर्लफ्रेंड ने तो भाई बहुत गंदा सीन कर दिया मेरे साथ। क्या हो गया यार? पहले मतलब बहुत ज़्यादा वादे करती थी मेरे से कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी जिंदगी भर, ये वो। ऐसे ही होता है, रिलेशन में होते ही ऐसा है। यार मैं भी सिंगिंग करता हूँ बट वो पैसों के पीछे जा रही है कि सरकारी जॉब करता है, बहुत ज़्यादा कमाता है, ये वो। कैसे ही समझाऊँ मैं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, बहुत ज़्यादा मेरा मूड ऑफ हो रखा है। आपको एक बार उससे बात करनी थी, एक बार एटलीस्ट मिल के तो बात कर लो ना। वो तो है, मैं आपको सॉन्ग सुनाऊँ एक? आप ही बताना यार, कुछ हो सकता है मेरा फ्यूचर में, नहीं हो सकता। है कि प्यार ना दर्द ही देता है। थैंक यू यार, पता बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो रखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ नहीं करूँ। प्यार ना होते ही ऐसे एक दिन सब कुछ होता। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, सच में? सच में बहुत अच्छा लगा। तो यार मैं मतलब सही गा, वॉइस बहुत अच्छी है आपकी सच्ची में। आप ट्राई करो ना, इंडियन आइडल वगैरह में जाओ, ट्राई करो। ट्राई कर रहा था बट सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरे को उतना अच्छे से नहीं आता बट धीरे धीरे सीख जाऊंगा। बट यार मेरी गर्लफ्रेंड ना समझती नहीं, अब क्या ही कर सकता हूँ मैं उसका। अब उस बैड लक है, इतने अच्छे लड़के को बना देंगे। आप लक्की बन जाओ फिर यार। मतलब आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना फिर, आप लगती हो। अभी आपका ब्रेकअप हो और अभी आप मुझ पे ट्राई कर रहे हो। तो यार अब देखो ब्रेकअप हो गया है मेरा, ठीक है? हाँ। तो अब आगे तो बढ़ना ही है ना मेरे को जिंदगी में। हाँ, लेकिन बढ़ना ऐसा भी नहीं होता कि आप इतना, अभी तो आप इतना मतलब उसको बोल रहे थे और आप अभी मेरे को बोल रहे हो। देखो नहीं नहीं बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि अब देखो उसने फोन काट दिया मेरा, वो मेरे को बोल रही है ना कि जो मर्जी करो मुझे तुमसे मतलब नहीं, मैं कल शादी कर लूंगी। तो अब यार मेरे को तो आपको मिलना चाहिए ना उससे, बात करनी चाहिए, उसको समझाओ कि आप उससे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करती है, ऐसे थोड़ी होता है यार। पर अब तो आपसे प्यार हो गया ना मेरे को।
मतलब ये अच्छा है कि मैं आपको यहाँ तक कि नाम तक नहीं जानती, आप मेरा नाम नहीं जानते, आपको मुझसे प्यार हो गया। अभी जान लेते हैं आपका नाम क्या है। वैसे जोया। जोया, हाँ जी। कितना अच्छा नाम है आपका। मेरा आर्यन। आपको भी बहुत अच्छा नाम है। मेरे को वैसे एक पंडित ने बताया था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के नेम की स्टार्टिंग एस से ही होगी, जो तुम्हें लाइफ टाइम साथ देगी तुम्हारा। ऐसे होगी ना, बट मेरा नाम तो जोया है ना, मेरा नाम जेड से भी होगी। जेड से भी होगी। नहीं अभी आप ट्राई कर रहे हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसे ही सीन है। तो यार बन जाओ ना गर्लफ्रेंड, क्या दिक्कत है। अब देखो मैं आपको डेली ऐसे से गाने सुनाया करूंगा। नहीं आप गाते सच्ची में बहुत अच्छा। सच्ची में मुझे मैं भी कुछ आपके गानों में खो गई थी, मैं भी कुछ ख्याल करने लगी थी। ऐसे ही तो होता है यार, ऐसा नहीं होता ना कि अभी मतलब मैं सिर्फ आपसे मिले हुए 5 मिनट ही हुए मुझे। तो क्या हो गया? हुआ तो कुछ भी नहीं है भाई। हाँ? इतनी देर से फोन कर रही हूँ, क्या हुआ? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बना लिए पैसे? कितने लिए आज पैसे? मतलब जो तू रोज करता है यहाँ के। अब पागल है क्या, जाना है ऐसे? क्या करो, क्या हो गया? क्या नाम है आपका? जोया। जानती हो उसे पहले से? दोस्तों? नहीं अभी मिले। अभी मिले हो? हाँ जी। क्या कहानी सुनाई इसने आज आपको? इसकी गर्लफ्रेंड की शादी। अरे यार तू तो यार रोज एक ही बहाना मार देता, कल तेरी गर्लफ्रेंड मरी थी। अरे तू जाना अभी थोड़ी देर में आता हूँ। नहीं नहीं मतलब अभी जाना है थोड़ी देर। ये बोला इसकी गर्लफ्रेंड मर गई या शादी हो गई? नहीं इसकी घर उसकी घर वाले की थी। शादी हो गई? नहीं मान रहे। हाँ। अच्छा ये सिंगर बनना वो सरकारी नौकरी? हाँ, हाँ। ये ना अरे बहाना तो चेंज कर ले यार, जल्दी जाओ ना। बेवकूफ आदमी, आप मुझसे झूठ बोल रहे थे। अरे नहीं पता नहीं कौन है, कहाँ से आते पैसे, अभी छुट्टी नहीं है। इसकी सगी फोटो दिखाओ एक मिनट। आप इतनी देर से मेरा पागल बना रहे थे। अरे झूठ बोल। मुझे लगा नहीं, मुझे सच में ऐसा लगा कि आपकी किसी लड़ाई वड़ाई हो गई और आप इसमें नहीं यार बैठे हो। वो झूठ बोल रही है। मैं क्यों झूठ बोल रही हूँ? फोटो दिखाई ना अभी तो आप बोल भाई। आप इसे जानते नहीं है इनके साथ फोटो है वो आपकी। तो अच्छा हुआ तुमसे पैसे नहीं लिए इसने, तो वरना ये तो नंबर भी मांगता है फिर पैसे भी मांगता यार, है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम किसी भी लड़की के साथ ऐसा आके करो? एक बात बताओ, नंबर मांगा इसने तुम्हारा? नहीं अभी थैंक गॉड आप आ गई, मैं दे भी देती शादी से। इतना लग रहा था ये अबे यार नहीं मतलब तुम ऐसे ही करते हो क्या? ये हर बार ऐसे करते हैं लड़कियों के साथ। ये बहुत हरामी है, मेरा भाई है ये, और नंबर भी बांटते है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? नंबर किसी को भी बांटने का होता है, रॉन्ग नंबर लड़कियों के क्यों? बात बताना सुनो। नहीं रॉन्ग नंबर क्यों बांटते हैं? वो मेरी फैन है, वो मेरे से फोटो वोटो क्लिक करवाने के लिए। क्या कह रहा है कि तुम इसकी फैन हो? अरे यार फैन बस की तू इधर। मैं इसको कुत्ता, इसको ना पूछे, मैं इसकी फैन। सुन तो ले, तब इसको देख के भौंभो नहीं करता, म्यों म्यों करता है। सुन तो ले, आधा-आधा पैसा बांट लेंगे। क्या देखो कह रहा है आधा-आधा पैसा? मां कसम, मां कसम लाना भाई दिमाग ठीक है? तो भाई नहीं दिमाग ठीक है आपका? पैसा बांट लेंगे, पागल वागल है क्या? पैसा नहीं पैसा बांट लेंगे, पैसा नहीं बांटेंगे पैसा। हाँ जो भी बांटेंगे मतलब पागल वागल हो क्या? अच्छा खासा पटकी थी लड़की यार, है तेरी बहन जैसी है ना वो, सारी लड़कियों को बहन ही बनवा दे मेरी। आ गया ना अपनी औकात पे यार, कितना शरीफ लग रहा था ये। तुम्हें इसकी पुलिस कंप्लेन करनी थी, मां कसम कंप्लेन कर दो उसकी, पुलिस कंप्लेन कर दो। हां कर दो, कर दो। तो डर लगा है मेरे को पुलिस से? डर लगा क्या? नहीं मैं कर दूँ। अरे पागल हो गया? नहीं यार ऐसा कोई सीन नहीं है। देखो मैं बताता हूँ क्या सीन था। माफ़ी मांग दीदी से। माफ़ी मांग? सुन मैं बता तो रहा हूँ। नहीं पहले सॉरी बोलो। अच्छा सॉरी। हाँ। इसकी फीलिंग्स हर्ट करी, माफ़ी मांग, मुर्गा बन के मांग। मुर्गा बन, मुर्गा बन, बन ना मैं पुलिस को बुलाऊं। बन गया मुर्गा, बन गया ठीक है। कुकड़ू को नहीं गया ओए पागल वागल है क्या? कुकड़ू कुकड़ू की छोड़ यार, तुमने किसी की फीलिंग्स के साथ ऐसे हर्ट नहीं करते। तुम जब टाइम पास कर रहे हो आज यहां पे गाना। नहीं अब वॉइस बहुत अच्छे गाना गाया बंदे ने, बहुत अच्छे वॉइस अच्छी है इसकी। हां मुझे तो अच्छी लगी। तो मैं एक बात बताऊं? अगर मैंने तुम्हें बात बता दी ना, अभी तो तुम सिर्फ चिल्ला रही थी इस पे, तुम इसे जूता निकाल के मारोगी। प्लीज बताओ, मैंने बहुत दिनों से मारा नहीं है किसी। ये तुम्हारे ऊपर ना प्रैंक कर रहा था यार, तुम्हें फैमिली थी, फैमिली थी सच्ची में। कैमरा भी देखो उधर सामने पेड़ के, उधर देखो पेड़ के पीछे लगा रखा है वो बंदा खड़ा है, कैमरा लेके तो खड़ा है वो। ये भी मिली हुई थी मेरे साथ, ये भी मिली हुई थी। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे से मिली हुई नहीं थी तो बीच में कैसे आ गई? अरे यार मतलब दोनों आप दोनों सच में बहन भाई हो भी है नहीं? अरे सच भाई बहन सच में, लेकिन मजाक दोनों मिलके कर रहे थे। अभी देखो चिल्लाने का नहीं है, अभी तुम्हें हाय करने का है। तो हाय कर दे एक बार, हाय कर हाय।